हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शॉर्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि शॉर्ट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, एक मेरे पास एक सेपरेट शीट है जिसका नाम है शॉर्ट फंक्शन, और इसमें तीन शीट्स हैं, डाटा, शॉर्ट एग्जांपल वन, शॉर्ट एग्जांपल टू। तो ये डाटा वाली शीट में दोस्तों मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, रीजन और डिपार्टमेंट, ये पांच कॉलम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ डाटा पहले यहाँ पर है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डाटा यहाँ से हटा दिया। दोस्तों, आप डाटा मेन्यू में जाएंगे और आपको यहाँ पर शॉर्ट रेंज करके एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अभी मेन्यू के थ्रू हम शॉर्टिंग नहीं देख रहे हैं, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे डाटा में मैं गया और मैंने शॉर्ट रेंज पे क्लिक कर दिया, तो ये मुझसे पूछ रहा है डाटा हैज हेडर रो। ये सबसे पहले यहाँ पर एक चेक आ रहा है, चेक अनचेक करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, मेरा जो डाटा है इसमें कुछ हेडर्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जो कि फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं। तो मेरे डाटा के अंदर हेडर्स हैं, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया कि मेरी शीट में जो है हेडर्स हैं, तो मैंने टिक कर दिया। ठीक है, अगर मेरे पास हेडर्स नहीं है, डायरेक्ट ही मेरा डाटा है, तो मैं इसको अनचेक छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मुझसे पूछ रहा है दोस्तों कि शॉर्ट बाय, कि आपको शॉर्ट किसके थ्रू करना है, मतलब किस बेस पे आपको शॉर्ट करना है। अब मैंने कहा कि मेरे को एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो ये मुझसे पूछ रहा है असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग के लिए ये ऑप्शन मेरे पास। ठीक है दोस्तों, और अब मैंने सीधा सिंपली इसको शॉर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मेरा जो डाटा ना शॉर्ट हो गया। ठीक है, सभी ए से जो नाम शुरू हो रहे थे वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, उसके बाद बी, फिर सी, एम, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार और मैं इसको ट्राई करते हैं, मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ इसी में ही। मैंने किया शॉर्ट रेंज, फिर से मैंने डाटा हैज हेडर रो इस पर टिक किया, उसके बाद मैंने नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया। अब इसके पास दोस्तों एक बटन हमारे पास आ रहा है, ऐड अनदर शॉर्ट कॉलम। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे जो नेम है, एम्प्लॉय नेम, अगर वो सिमिलर होते हैं, कहने का मतलब है अगर दोनों में सिमिलैरिटी होती है, सेम नाम होते हैं, जैसे कि ये देखिए 8th और 9th रो में गौरव, गौरव दो बार आ रहा है गौरव। ठीक है, और 14th और 15th रो में सचिन, ये दो एम्प्लॉई है जिनके नाम बिल्कुल सेम है, जो कि दोस्तों हो सकते हैं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इस तरीके के नाम किसी के भी सेम हो सकते हैं, बट उनकी एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जहां पर ये नेम सेम हो तो फिर किस तरीके से शॉर्ट करें, तो फिर हम इसके लिए इस चीज को यूज करते हैं, ऐड अनदर शॉर्ट कॉलम। मैंने इस पर टिक किया, तो जहां पर डाटा सेम है तो फिर मेरे को किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डाटा की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसके बाद डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देता हूँ, कि जहाँ पर नाम सेम हो तो फिर ये जो है डिपार्टमेंट को चेक करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग करेगा या फिर डिसेंडिंग, जैसा भी आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने किया शॉर्ट, ये टिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने जो है सबसे पहले एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है जहां पर भी नेम सेम होंगे फिर वो किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करे, फिर मैंने उसे बोला डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने जो है शॉर्ट कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास डाटा आ गया, गौरव दोनों जहां पर नाम है सेम, उसके बाद उसने जो है डी कॉलम, देखिए अकाउंट्स पहले आ रहा है, ए से स्टार्ट है, उसके बाद सेल्स आ रहा है। अब यहां देखिए सचिन में भी देखिए आप, सबसे पहले सचिन आ रहा है, कौन सा, जहां पर अकाउंट से शुरू है। तो दोस्तों शॉर्टिंग इस तरीके से वर्क करती है, ये बेसिक एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया। मेन्यू के थ्रू हम शॉर्टिंग नहीं देख रहे हैं, और इसलिए मैं आपको शॉर्ट फंक्शन के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। शॉर्ट फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन के थ्रू कैसे शॉर्ट करते हैं। और दोस्तों फंक्शन के थ्रू शॉर्ट करने का एक फायदा यह भी होता है कि देखिए डाटा कल को इंक्रीज भी हो सकता है, तो आप बार बार क्या डाटा में जाके फिर से शॉर्ट करते रहेंगे उसे। ठीक है, तो आपको मैन्युअली वो चीज़ करनी होगी अगर आप मेन्यू के थ्रू करेंगे, लेकिन अगर हम फंक्शंस में एक बार हमने शॉर्टिंग का फंक्शन
फंक्शन डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट होता रहेगा, जो कि हमें ज़रूरत भी होती है अपने मतलब रियल लाइफ में। अगर हम बात करें तो हमें इस तरीके की ज़रूरत होती है कि चीज़ें अपने आप जो है चेंज हों, हमें बार बार मैन्युअली जाकर चेंज ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट के लिए। ये पहला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मैंने लगाया शॉर्ट, ये फंक्शन है आपका, फंक्शन का नाम है शॉर्ट। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट में दोस्तों क्या पूछ रहा है, सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है रेंज, ठीक है। रेंज इसने मुझसे पूछा, तो मैं इस डाटा में गया, मैंने यहाँ से सेलेक्ट की। दोस्तों मैं सेकंड रो से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं तो आपके हेडर को भी ये जो है इंक्लूड कर लेता है। मैं आपको दोनों ही तरीके से करके बताता हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने इसको सेकंड से स्टार्ट किया और मैंने सभी कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए, और ये 17 तक सेलेक्ट हुआ है तो मैंने 17 को रिमूव कर दिया। मतलब मैंने रेंज में एंड रो को जो है ड्रॉप कर दिया, जिससे कि उसने मेरे को नीचे तक अलाउ कर दिया सेलेक्ट करने के लिए पूरा ये कॉलम, यानी मेरा पूरा डाटा जो है सेलेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने लगाया कोमा। कोमा लगाने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है शॉर्ट कॉलम, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है। अभी दोस्तों हमने मेन्यू के थ्रू ये चीज़ देखी थी, यही चीज़ हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन से कॉलम के थ्रू शॉर्ट करना है। तो मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग मुझे शॉर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ डाल दिया एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कौन सा कॉलम है मेरा, ए कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम, तो मैंने डाला 1। ठीक है दोस्तों, अब वो मुझसे पूछ रहा है इज असेंडिंग, क्या आपको असेंडिंग में शॉर्ट करना है। यस मुझे असेंडिंग में शॉर्ट करना है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है, मैं यहाँ लिखूंगा ट्रू, ठीक है, या फिर मैं 1 का भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने मारा एंटर, ये देखिए दोस्तों मेरा डाटा जो है एम्प्लॉय आईडी के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। और ये डाटा मेरा यहाँ पर ऐसे था 100, 2, 13, 15, ये देखिए सभी की सभी एम्प्लॉय आईडी जो है एक ऑर्डर में मेरे पास आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि आप या तो ट्रू यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 1 यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रू की जगह 1 यूज़ करता हूँ और इंटर मारता हूँ तो भी मेरे डाटा में कोई चेंज नहीं आएगा, मेरा डाटा बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा जैसा कि है। तो ये दोस्तों, ये तो एग्जाम्पल था आपका असेंडिंग ऑर्डर में हमने किसी चीज़ को किया है, ठीक है। एक डिसेंडिंग का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं सेम तरीके से। मैंने लगाया शॉर्ट, सेम फंक्शन, ठीक है। इसने मुझसे पूछा रेंज, रेंज में देखिए दोस्तों, अब मैं आपको हेडर भी इंक्लूड करके दिखाता हूँ कि हेडर इंक्लूड करने से क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने हेडर को इंक्लूड किया, मैंने लगाया कोमा, अब वो मुझसे पूछ रहा है शॉर्ट कॉलम के कौन से कॉलम के थ्रू आपको जो है शॉर्ट करना है। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी के थ्रू ही करना है, इसी का ही एग्जांपल देखते हैं एक बार। एम्प्लॉय आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम है, मैंने 1 लगाया कोमा। अब की बार दोस्तों वो हम असेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में करेंगे, तो इस असेंडिंग की जगह मैं अब लिखूंगा, पहले मैंने ट्रू लिखा था क्योंकि मुझे असेंडिंग में करना था, मैं लिखूंगा फॉल्स और मैंने मारा एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है डाटा जो है शॉर्ट होकर आ गया पूरा। और देखिए एम्प्लॉय आईडी भी, मतलब ये भी आ गया है, मतलब मेरे हेडर के, मतलब जो हेडर है वो भी मतलब आ गई है अगर मैंने उसे इंक्लूड किया तो अपने डाटा के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप हेडर को इंक्लूड ना करें। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए, आप ए के बाद ए टू सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट रो में आपका हेडर है, ए टू आपने किया तो अब आपकी हेडर रो नीचे से गायब हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था बेसिक एग्जांपल शॉर्ट के थ्रू जो हमने अभी किया है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। और दोस्तों एक बात और, जैसे हमने यहाँ पर फॉल्स लगाया है, हम फॉल्स की जगह इसको 0 भी कर सकते हैं। ट्रू के लिए आप 1 यूज़ करेंगे, फॉल्स के लिए आप 0 यूज़ करेंगे। तो आप या तो ट्रू या फॉल्स यूज़ कीजिए या 1 और 0 यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों, सबसे लास्ट वाले पैरामीटर में। तो ये तो था एक एग्जांपल शॉर्ट फंक्शन के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल को डाटा जैसे मान लीजिए इंक्लूड हो जाता है और डाटा आता है हमारे इसमें, मैंने 212 करके एक आईडी बनाई, ठीक है, मैंने किसी का नाम लिखा, मैंने लिखा ठीक है, और मैंने कोई डमी नंबर दे दिया। और दोस्तों मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी कई बार एक्सप्लेन किया है कि डाटा आप सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो लॉजिक है आप लॉजिक को समझिए कि लॉजिक किस तरीके से काम करता है, बस
डाटा सभी का अलग अलग होता है, आपका मेरे डाटा अलग होगा, कभी मैच नहीं होगा। तो बस जो ट्रिक है आप उसको ध्यान रखिए। तो ये मैंने इसको इंक्लूड कर दिया दोस्तों, आईडी 212। तो अब एग्जांपल में आके देखते हैं, देखिए सबसे लास्ट में मेरा जो है विनोद ऐड हो गया अपने आप, ठीक है, मेरे को मैन्युअली वहाँ जाकर ऐड नहीं करना पड़ा। तो और यहाँ पर भी देखिए डिसेंडिंग में सबसे टॉप पर जो है विनोद आ गया, ठीक है दोस्तों। तो फंक्शन का यूज़ करने का ये फायदा होता है दोस्तों कि आपने फंक्शन एक बार लगा दिया, एक पूरी की पूरी रेंज आपने सेलेक्ट कर दी, तो कल को जब भी डाटा आपका, जैसे ये डाटा वाली शीट है, इसमें कोई भी डाटा आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी हमने शॉर्ट फंक्शन यूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट होता रहेगा। हमें बार बार डाटा में जाके इस शॉर्ट रेंज वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैनुअली जा जाके करने वाली चीज़ें जो हम अभी बात की थी हमने इनिशियली भी वीडियो की शुरुआत में, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्ट इस तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब शॉर्ट में दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास शॉर्ट में, देखिए दोस्तों मैं दोबारा से शॉर्ट फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, मैंने जूम किया आपके लिए। अब ये मुझसे रेंज पूछ रहा है, रेंज मेरी वही है, मैं सेकेंड रो से स्टार्ट करता हूँ। मैंने आप दोस्तों इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और एंड रेफरेंस आप मतलब एंड जो रो है ई के बाद की जो रो है उसको आप वहाँ से हटा दें तो वो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेगा शॉर्ट कॉलम। अब दोस्तों किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, अब दोस्तों हमें करना है एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। मैंने एम्प्लॉय नेम मेरा कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ए जो है वो मेरा एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट कॉलम है। एम्प्लॉय नेम मेरा सेकेंड कॉलम है, तो मैंने डाल दिया 2, मुझे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग करना है शॉर्ट। मैंने लगाया कॉमा, ठीक है। अब मुझे असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में, मुझे असेंडिंग में करना है तो मैंने डाल दिया 1। याद रखिए दोस्तों आप 1 या ट्रू कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने 1 डाल दिया, मुझे असेंडिंग में करना है। उसके बाद दोस्तों ये लगाया मैंने कोमा, शॉर्ट कॉलम 2। तो दोस्तों हमने मेन्यू के थ्रू भी देखा था कि जहां पर एम्प्लॉय नेम सेम है, ठीक है, जैसे कि मेरे डाटा वाली शीट में एम्प्लॉय नेम सेम है, अगर आप यहाँ देखेंगे नोटिस करेंगे 8th और 9th रो पे गौरव गौरव 2 बार आ रहा है, जहाँ पर सेम है तो फिर किसके अकॉर्डिंग हमें जो है शॉर्ट करना है। तो फिर दोस्तों मैंने अब की बार दोस्तों हम करते हैं रीजन के थ्रू, पहले मैंने डिपार्टमेंट के थ्रू किया था जब हमने मेन्यू के थ्रू देखा था, मैं इसको करता हूँ रीजन के थ्रू। तो रीजन मेरा कौन सा कॉलम है, फर्स्ट मेरा एम्प्लॉय आईडी, सेकंड मेरा एम्प्लॉय नेम, थर्ड मेरा मोबाइल नंबर, फोर्थ कॉलम मेरा जो है रीजन है। तो मैंने डाला 4, फिर मैंने लगाया कोमा, फिर से वही मुझसे पूछ रहा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये इस तरीके से शॉर्ट नहीं करेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस ऑर्डर में नहीं करेगा, ये देखेगा कि लेटर्स को मैच करेगा कि ए पहले आता है, ई पहले आता है, एन पहले आता है कि डब्ल्यू पहले आता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने कहा मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, तो मैंने 1 डाल दिया और ये मैंने इसको क्लोज किया और ये मारा मैंने इंटर। तो ये देखिए दोस्तों ये गौरव गौरव, पहले उसने नेम के अकॉर्डिंग किया जैसा कि हमने अपने फंक्शन में दिया था कि सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग करनी है, सेकंड कॉलम मेरा कौन सा है एम्प्लॉय नेम, उसने नेम के अकॉर्डिंग किया, देखिए सारे ए लेटर से जो भी शुरू हैं वो सब नाम पहले आ रहे हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर एम वाले, डी वाले, एस वाले, इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर भी नेम सेम है जैसे कि ये एग्जांपल, उसके बाद उसने रीजन के थ्रू किया है यानी कि इसके थ्रू, ये देखिए एन पहले आता है फिर डब्ल्यू आता है, तो इस तरीके से ने शॉर्ट किया। एक नीचे भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए सचिन 2 बार आ रहा है मेरे पास, जहाँ नाम सेम है उसके बाद फिर उसने सेकेंड ऑप्शन को पकड़ा, वहाँ पर एस पहले आता है डब्ल्यू बाद में आता है, तो साउथ पहले वेस्ट पहले। तो इस तरीके से दोस्तों आप कितने भी पैरामीटर, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, अब आपने देखा नेम सेम है, अगर आप फिर देखते हैं कि उनका जोन भी सेम है, फिर आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, तो आप कोमा लगा के और ऐड कर सकते हैं। फिर आपने बोला कि मुझे डिपार्टमेंट के थ्रू देखना, तो आपने डाल दिया 5, फिर लगाया आपने कोमा, और फिर आप जो है 1 डाल देंगे तो वो जो है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। मतलब मेरे डाटा इस तरीके का नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपको कोई चेंज करने को नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह मल्टीपल कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो प्रायोरिटी वाइज चलेगा, सबसे पहले वो जो आपने रेंज दी है सेकंड, पहले उसके अकॉर्डिंग चलेगा, फिर उसके बाद वो फोर्थ कॉलम के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद अगर वहाँ कुछ भी दोनों सिमिलैरिटी होती हैं तो फिर उसके बाद जो है फिफ्थ कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस तरीके से शॉर्ट फंक्शन काम करता है दोस्तों। और आपका डाटा जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जितनी भी बार डाटा आपका इंक्रीज होगा शॉर्ट फंक्शन भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगा।
होता रहेगा, तो यहाँ पर आपको मैन्युअली बार बार जाकर शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं आपको छोटे कुछ दो या तीन एग्जांपल मैंने आपको बताए शॉर्ट फंक्शन के बारे में। शॉर्ट फंक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतने ही पैरामीटर है। तो ये दोस्तों ये मेरी वीडियो आपके लिए थी शॉर्ट फंक्शन पे, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, प्लीज़ आप अपडेटेड रहिए, आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, आपको जो है मेरी आने वाली वीडियोस जो है पता चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।